उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना इलाके में पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर दिखने लगा है। जनपद में बहने वाली कोसी और रामगंगा नदी दोनों ही उफान पर हैं। मुरादाबाद जनपद के लखनऊ हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ के पानी के आने के चलते कई घंटों से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में फंस गए हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे हाईवे पर आया पानी, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे इलाके में बाढ़ का पानी आने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। लोग घंटों से बाढ़ के पानी के चलते हाईवे पर फंसे हुए हैं। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर बाढ़ के पानी आने की वजह से यात्री घंटों से हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं, सारी व्यवस्था कराने में लगे हुए हैं। मुंडा पांडे के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। हम सोनू जैन है, मैं ग्राम दौलारी का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी दुकान है शिवराबाजी जी, जहाँ ये बाढ़ का पानी आया हुआ है। ये लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे है और ये रामपुर मुरादाबाद के बीच में शिवराबाजी जो गांव पड़ता है, यहाँ पे इस समय कोसी नदी के उफान से बाढ़ का पानी आया हुआ है, जो कि जिसका जलस्तर करीब हाईवे पे भी, नेशनल जो हाईवे है उस पर भी 1 से 1.5 या 2 मीटर के आसपास पानी नहीं लगा हुआ। और इसमें जो पुलिस प्रशासन ने रात बस रोकने की कोशिश करी तो बस वालों ने बस नहीं रोकी, तो उसमें एक बस बड़ा गड्ढे में जा गई, करीब 65 सवारी रोकी, तो पुलिस ने अपनी मेहनत द्वारा, अपना मनोबल द्वारा वो बचाई सवारी, बस वो भी अभी भी खड्डे में पड़ी है। पानी से बही है ना? हाँ, पानी से बही है। सबसे ये क्या 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 तैयारी है सर? देखिए, कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो है इस हमारे बॉर्डर पे और कोसी नदी के किनारे जो है पानी ज़्यादा बढ़ा है, और जैसा डीएम साहब ने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ के कृषि योग्य जो भूमि है वो जलमग्न हुई है और आबादी 4-5 गाँव में प्रभावित हुई है। पुलिस की टीम भी लगी हुई है, पीएसी से हम लोगों ने जो है हमारी फ्लड कंपनी है उसकी टीम को बुला लिया गया है, तो जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम भी करेंगे। प्रधानों से हम सब लोगों की बात हो गई है, सभी लोगों को जो सपोर्ट है वो राजस्व की, पुलिस की, वो सब दी जा रही है और हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हैं। जो भी होगा रेस्क्यू ऑपरेशन सारे करते रहेंगे। यहाँ जो बॉर्डर है, यहाँ हाईवे पे भी कुछ पानी है जिसके कारण ट्रैफिक या जो है प्रभावित है, लेकिन हम लोगों ने इसकी इसको डाइवर्जन कर लिया है, अपने मुरादाबाद शहर में भी डाइवर्ट कराया है और उधर रामपुर में भी डाइवर्ट कराया है, जिससे केवल बड़ी गाड़ियां यहां आ रही हैं और वो जो है इस पानी जो थोड़ा सा 2-3 फीट है उसको क्रॉस कर लेगी। धीरे धीरे 1-2 घंटों में चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। सभी लोग फील्ड में हैं और सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है यहाँ जलप्लावन की स्थिति है। लगभग 5 गांव हमारे ऐसे हैं जिसमें आबादी क्षेत्रों में पानी प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त 6 गांव में हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित है और पूरी स्थितियों पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं। हमारी हेल्थ की टीम, हमारी वेटनरी की टीम और हमारी सप्लाई की टीम, उसके अलावा राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, सब मौके पर एक्शन में है। और भी हमारा जो NH-24 है, यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर, हमारा रामपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर रहता है, यहाँ पर भी क्योंकि जल भराव काफ़ी हो गया है उसके चलते ट्रैफिक निकलने में दिक्कत है और हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को धीरे धीरे करके ईज आउट किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं, चूँकि पानी घटना शुरू हो गया है, कल शाम को यहाँ पर 1,20,000 क्यूसेक पानी बह रहा था, आज की स्थिति जो हमारी है लगभग 80,000 के आसपास पानी बह रहा है, तो धीरे धीरे घट रहा है। उम्मीद की जाती है कि अगले 2-3 घंटों में पानी काफ़ी हद तक ड्रेन आउट हो जाएगा और इस बीच ड्रेन आउट होने के बाद जो भी एक्शंस हैं उस पर हम लोग लगातार निगाह रखे हैं। सभी प्रधानों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं और अभी तक किसी तरह से जनहानि और पशुहानि की कोई सूचना नहीं। ऐसा कुछ सुनने में भी आया गाय भी का इसमें 5-6 के करीब? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे सारे राजस्व निरीक्षक और पुलिस के कर्मी गाँव में भ्रमण कर रहे हैं, प्रधानों से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। किस हिसाब से इंतजाम करा गए यहाँ पर रोडों पानी भरा हुआ गाड़ी? देखिए, यहाँ पर जो रोड पे आप पानी देख रहे हैं इसको निकलने में अभी 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन ट्रैफिक चलता रहे इसके लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं कि कम से कम 1 लेन हमारी दोनों साइड की चलती है, उसको हम लोग चलाते हैं। जैसे गाँवों के अंदर पानी भी काफ़ी भरा हुआ? हाँ, देखिए, गाँव में जो दो पार्ट है, जो कृषि भूमि है वो तो धीरे धीरे करके निकल जाएगा, आबादी क्षेत्रों में कुछ पोर्शन में 10% पोर्शन पानी भरा हुआ है,
उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एकदम से अभी पानी निकलना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आज शाम तक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक होने की उम्मीद। तो पहले से मतलब पानी आने का जी पहले से ही सूचना थी और गांव के लोगों को कल रात में ही सबको सतर्क कर दिया गया था, और इसी सतर्कता का नतीजा है कि अभी तक जो हम लोगों की जानकारी, इस तरह कोई जनहानि और पशुहानि नहीं है।